Hello engineers, welcome to the world of Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. मैं इंजीनियर शुभम नागपुरे आपका स्वागत करता हूँ. करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ. हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम देखेंगे कि अब जिला परिषद के पीडब्ल्यूडी की तरह ही कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जा सकता है. तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखें ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी परेशानी ना आए. अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे. अगर आप लोग ने पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन की वीडियो अभी तक नहीं देखे तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ. दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये आपकी पूरी ऑफलाइन प्रोसेस है. हो सकता है कि ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो जाए, तो ये जब भी ये प्रोसेस हमारी ऑनलाइन हो जाएगी तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा. तो दोस्तों अब देखते हैं कि जिला परिषद कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस हमें किस काम के लिए चाहिए. देखिए दोस्तों, जिस तरह से पीडब्ल्यूडी के काम डिवीज़न में होते हैं कि आप किसी डिवीज़न के रोड्स के वर्क हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वर्क तो आपको अलर्ट होते हैं, तो इसी तरह जिला परिषद के काम होते हैं. जैसे कि मैं बात करूं ग्राम पंचायत या नगर पालिका में जो भी छोटे मोटे काम आते हैं, जैसे कि मैं बात करूं फॉर एग्जांपल रोड रिपेयर मेंटेनेंस, रोड कंस्ट्रक्शन, जैसे कि जो भी गली में जो भी छोटे मोटे जो रोड्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन सिर्फ मिलता है जिला परिषद को और जिला परिषद वो हैंडल करती है. तो इसी तरह जिला परिषद कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि दोस्तों देखिए पीडब्ल्यूडी में जो भी वर्क की लेवल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू जिला परिषद. तो जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं छोटी लेवल से, तो वो लोग के लिए जिला परिषद बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा करियर स्टार्ट करने के लिए. तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयड इंजीनियर की. मैं सिविल इंजीनियर की बात कर रहा हूँ. अगर आप अनएम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर हैं तो आपको किस तरह से जिला परिषद कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है. देखिए दोस्तों, सबसे पहले ZP जो भी जिला परिषद आपके नियर बाय एरिया जिस जिले में आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उस जिले के ऑफिस में जाना होगा और वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. उसके बाद आपको जिला परिषद के निर्माण विभाग में जाना है और बाद में आप लोगों को वहां से अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के लिए जिला परिषद कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है आपको वहां से लेना है. हो सकता है कि कुछ स्टेट में ये फॉर्म की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन आप छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र या फिर आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको ये फॉर्म जिला परिषद से मिल जाएगा. अब दोस्तों वो फॉर्म आपको पूरी तरह से फिल करना है, फिर बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है. सो हियर आर द लिस्ट: पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिग्री या डिप्लोमा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, 10th और 12th की मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा, ये सब चीज़ आपको अटैच करनी है एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना है. और हाँ दोस्तों, आपको एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट कार्ड भी सबमिट करना होता है. दोस्तों आखिरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एफिडेविट. तो एक आपको एफिडेविट करना है जो कि 100 रुपये के बॉन्ड पेपर में होना चाहिए. अब दोस्तों हमने जो जिला परिषद के ऑफिस से जो हमने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लिया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उन फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको अटैच करनी है और बाद में आपको एक ओरिजिनल सेट भी रखना है इन सभी डॉक्यूमेंट्स का. जब ये आप जेरोक्स सबमिट करेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो उसी वक्त आपको ओरिजिनल एफिडेविट सबमिट करना होता है. फिर आपकी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होती है तो जो भी वहाँ के जिला परिषद के जो मेन ऑफिसर होते हैं वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं कि आपके जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं कि नहीं है. दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद आपको वहाँ से OC लेनी है, मीन्स कि आपको ऑफिस कॉपी लेनी है. तो उस ऑफिस कॉपी को आप रजिस्ट्रेशन होने तक आप उसको संभाल के रखेंगे. चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ये प्रैक्टिकली कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन में कितने दिनों में होता है और इसमें कितने पैसे लगते हैं. फिलहाल ये आपका ऑफलाइन प्रोसेस है तो टाइम के कारण हम कुछ भी बता नहीं सकते. तो रही बात पैसों की, तो देखिए दोस्तों आज के टाइम में मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उस टाइम में 7000 के ऊपर जो भी फीस होती है वो मुझे सबमिट करनी होती है. लेकिन ये अमाउंट फिक्स नहीं है, हो सकता है टाइम के साथ प्लेस के साथ ये प्राइस आपका कुछ वेरी कर सकता है.
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर हाँ दोस्तों हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो इसी जोश और जुनून के साथ बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी। थैंक यू दोस्तों।